नमस्कार दोस्तों, तनुश्री इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका स्वागत है। देखिए, मेरे पास ये सोनी का होम थिएटर आया है। इसमें प्रॉब्लम है, सिर्फ इसमें ऊपर का साउंड आ रहा है, लेकिन ये स्पीकर का साउंड इसमें नहीं है। ठीक है, तो हम इसको पहले चेक करते हैं। तो पहले इसको हम एडाप्टर लगा देते हैं। इसमें एडाप्टर होता है, देखिए ये वाला, इसमें एडाप्टर होता है, ये वाला इसमें एडाप्टर होता है आपका 19 वोल्ट, मतलब ये देखिए 18 वोल्ट का एडाप्टर होता है, देखिए ये वाला। ठीक है, तो अभी ही इसको हम क्या करेंगे, कनेक्शन कर देंगे। और कनेक्शन इधर है, इसका पीछे इसमें एडाप्टर सिस्टम लगा हुआ है। ठीक है, तो स्पीकर भी हम इधर लगा देंगे। पहले हम इसमें आपको दिखाते हैं ऑन करके। देखिए, इसमें जो है स्टैंड बाई मोड में है। इसको हम दबाएंगे, ये देखिए ऑन हो चुका है। तो इसका फंक्शन जो है चेंज करेंगे, USB में लगा दिया। तो अभी इसमें हम पेन ड्राइव लगा देंगे। ठीक है, ये सिर्फ ऑफर बज रहा है। ठीक है, आपको साउंड सुनाई दिया होगा। और इसमें हम अभी स्पीकर लगाएंगे, और पहले स्पीकर को भी हम चेक करेंगे। इधर पीछे इसमें कनेक्शन लगा हुआ सिस्टम है, यहाँ पे हम डाल देंगे। ये देखिए स्पीकर इधर में लगा दिया, ये इसमें साउंड नहीं है। तो हम इसमें खोल कर देखेंगे इसमें क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, और इसको रिपेयर भी करेंगे। और चैनल पे बने रहिए दोस्तों, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखिए, इम्पोर्टेंट वीडियो है, कोई भी मिस मत कीजिएगा, क्योंकि बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा आज। ठीक है, ये देखिए ऑफर बज रहा है, लेकिन इसमें ये स्पीकर में कोई साउंड नहीं है। हालांकि स्पीकर हमारा जो है ओके है, लेकिन इसमें साउंड नहीं है। ठीक है, तो हम कैमरे को भी सेट कर लेते हैं, और इसका जो पीछे का जो ऑडियो किट है इसको खोल लेते हैं। ठीक है, चैनल पर बने रहिए दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों इसका पीछे जो स्क्रू है वो निकाल लेते हैं, ओपन कर लेते हैं। ये खुल गया है। ठीक है, इसमें देखिए ये छोटा सा बोर्ड होता है, इसी बोर्ड में से इतना सुंदर साउंड निकलता है। तो इसका बोर्ड का जो स्क्रू है वो भी खोल लेते हैं। उसके बाद आपको दिखाएंगे इसमें दिक्कत क्या है और क्या प्रॉब्लम है, इसको हम बढ़िया करके खोल लेते हैं। सोनी होम थिएटर ज़्यादातर इसे ख़राब नहीं होता है, अगर कोई गड़बड़ ना हो। ये खुल गया, इसका स्क्रू भी साइड कर देते हैं। अब इसको निकालना है, ये देखिए ये निकल गया, ये इसका बोर्ड है। देखिए दोस्तों, यहाँ से एक IC गायब है। यहाँ पे दो IC होता है, एक वाला ये होता है और ये दूसरा इधर होता है। देखिए इधर IC इधर से किसी ने छेड़ा होगा। ठीक है, तो इसको हम आपको जूम करके दिखाएंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पे IC नहीं है, यहाँ पे और एक IC होता है, इस तरह से सेम टू सेम IC होता है। तो इसमें IC कौन सा रहता है वो हम आपको जूम करके दिखाते हैं। इसका जो बेल्ट है खोल लेते हैं। अभी देखिए, शायद आपको दिखाई नहीं दे होगा इसमें कौन सा IC रहता है, अच्छे से दिखाई नहीं देगा, क्योंकि बहुत छोटा IC है। और इसमें जो IC में जो नंबर लिखा हुआ है वो भी बहुत छोटा छोटा है, एकदम दिखाई नहीं देगा। तो इसमें हम थोड़ा सा थिनर लगा के साफ़ कर दिए हैं। तो अभी देखते हैं काम करता है कि नहीं। देखिए दोस्तों, तब भी दिखाई नहीं दे रहा, इतना छोटा छोटा अक्षर है इसमें, ऐसे खाली आँख में से दिखाई देगा, लेकिन हमने मैग्नीफाई ग्लास है। ठीक है, ये IC मार्केट में ज़्यादातर मिलता नहीं है,
तो इसमें क्या किया जाए, अभी इसमें हम थोड़ा मॉडिफाई करेंगे, तो इसमें क्या मॉडिफाई करेंगे आपको दिखाते हैं। इसमें देखिए यहाँ पे इस आईसी से ये ऑफ़र बचता है, ये ऑफ़र का कनेक्शन है, ये ऑफ़र बचता है इस आईसी से। इधर दो स्पीकर है, ठीक है, और इधर दो स्पीकर है। तो दो स्पीकर मतलब यहाँ पे कनेक्शन देखिए, इधर एक ही स्पीकर है और इधर एक ही स्पीकर है, मतलब दो चैनल होता है, ठीक है। ये दो चैनल, इधर एक चैनल और इधर एक चैनल, ये दो चैनल इस आईसी से चलता है। तो इस आईसी में हम दूसरा चीज़ लगा देंगे। दूसरा क्या लगाएंगे आपको दिखाते हैं। इस तरह का सेम टू सेम छोटा सा बोर्ड मिलता है मार्केट में, उसको कैसे इंस्टॉल करते हैं हम आपको दिखाएंगे, और उस बोर्ड कौन सा है वो हम आपको निकाल के दिखाते हैं। यहाँ पे ये बोर्ड मिलता है दोस्तों, ये छोटा सा बोर्ड, इसमें आराम से चलेगा। देखिए ये जो आईसी है और ये वाला जो आईसी है सेम टू सेम है। देखिए इसमें भी नंबर लिखा हुआ है, जो हमने नंबर बताया था वही नंबर है इसमें। देखिए हम आपको दिखाते हैं, रोशनी कम हो रहा है अभी, देखिए हम आपको जूम करके भी दिखा देंगे, ठीक है। ये कौन सा नंबर है, इसमें नंबर है TPA3110D2, सेम नंबर है ये नंबर, और यहाँ पे जो आईसी है उसका नंबर सेम टू सेम है, ठीक है। तो ये बोर्ड इसमें काम करेगा, क्योंकि ये आईसी हम इधर खोल के लगा नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पर आईसी जो है पेस्टिंग करके लगा हुआ रहता है, क्योंकि ये आईसी का जो बीच में हीट सिंक रहता है वो हीट सिंक इस बोर्ड में, देखिए इधर इस बोर्ड में इस हीट सिंक इधर लगा हुआ है। देखिए ये हीट सिंक होता है, यहाँ पे हमको लगाने से क्या होगा, हम यहाँ पे गन यूज़ करके हम लगा सकते हैं, लेकिन ये जो छोटा छोटा कंपोनेंट है वो ख़राब हो सकता है, इसीलिए हम ये नहीं करेंगे। पहले इसमें क्या करेंगे, ये जो किसी ने छेड़ा होगा, देखिए क्या किया, बोर्ड को ख़राब कर दिया है, ठीक है। इसको यहाँ से बढ़िया करके साफ़ करेंगे, साफ़ करके उसके बाद हम इसका जो चैनल है सारे चैनल को बढ़िया से कनेक्शन कर देंगे, और इसमें वोल्टेज, यहाँ से इसमें वोल्टेज आता है, वो कौन सा वोल्टेज आता है, कितना वोल्टेज आता है हम आपको दिखाएंगे। तो चैनल पे बने रहिए दोस्तों, हम इसको कनेक्शन कर देते हैं। इसमें क्या क्या वोल्टेज होता है हम आपको दिखाएंगे, और इस तरह का प्रॉब्लम आने से आप भी कर सकते हो, ठीक है। तो पहले इसको हम लाइन देंगे, ये हमने इसमें लाइन दे दिया। इसका जो स्टैंड बाई स्विच है उसको भी हम दबा देंगे, तो यहाँ पे हमको ऑडियो चेक करना है, और ऑडियो यहाँ पे देखिए ये दोनों पॉइंट में ऑडियो है, इधर ऑडियो है, इधर हम आपको थोड़ा नज़दीक से दिखाते हैं। तो दोस्तों देखिए हमने इसका जो इस बोर्ड में जो कनेक्शन है वो सब लगा लिया है। देखिए इस तरह का कनेक्शन हमने इधर लगा लिया है, ये दोनों लेफ्ट राइट का चैनल है ऑडियो का आउटपुट, और ये वाला है वोल्टेज, और ये दोनों आउटपुट है ऑडियो, ठीक है। ये इसका स्पीकर कनेक्शन है, और इसका ये ऑडियो कनेक्शन है, और ये वोल्टेज का कनेक्शन है। तो यहाँ पे कहाँ कहाँ कनेक्शन होगा वो हम आपको दिखाएंगे, ठीक है। और चैनल पे बने रहिए दोस्तों और देखते रहिए, ये वीडियो आपको बहुत नॉलेज दिलाएंगे, ठीक है। तो हम एक एक करके कनेक्शन कर देंगे, और आप देखते रहिए। पहले जो है हम इसका ऑडियो का कनेक्शन करेंगे, आउटपुट ऑडियो, ठीक है। स्पीकर का कनेक्शन हम कर लेते हैं,
क्योंकि हमको स्पीकर कनेक्शन पहले क्यों करना है दोस्तों, हमें इस बोर्ड का ऑडियो देखना है, सुनना है, ऑडियो मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, ठीक है। इसके लिए हमको ये जो कनेक्शन है पहले आउटपुट कनेक्शन कर लेना होगा। और आउटपुट कनेक्शन हम कहाँ पे करेंगे, यहाँ पे देखिए, पे देखिए ये चार पीएफ होता है, ठीक है, 1 2 3 4, ये चार पीएफ होता है, यहाँ पे हम कनेक्शन कर देंगे। ये देखिए 1 2 3 4, ये हुआ हमारा आउटपुट का चारों कनेक्शन, ठीक है, यहाँ पे हम कनेक्शन कर देंगे। और ऑडियो कहाँ से देंगे वो हम आपको दिखाएंगे, और वोल्टेज कहाँ से देंगे वो भी हम आपको दिखाएंगे, ठीक है। अब देखते रहो, कनेक्शन कर लेते हैं दोस्तों। इसका जो वोल्टेज है वो हम आपको दिखाते हैं, किस पॉइंट पे वोल्टेज आ रहा है, ठीक है, इसमें कितना वोल्ट आ रहा है हम आपको दिखाते हैं। मीटर की तरफ देखिएगा, अब तो हम इधर रख लिए, यहाँ पे ग्राउंड होता है, और दूसरा पॉइंट हमने इस पीएफ पे रख दिया। देखिए 18 वोल्ट निकल रहा है, ठीक है, क्योंकि ये जो छोटा सा बोर्ड है इसका, इसमें हम 8 वोल्ट से 24 वोल्ट तक इसमें दे सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें अभी चाहिए 20 वोल्ट या 22 वोल्ट या 18 वोल्ट, कोई भी देने से चलेगा, ठीक है। तो हम पहले, हमारा तो वोल्टेज लाइन आपको मिल गया है, देख लीजिए इसमें जो वोल्टेज लाइन है वो हमें मिल गया है, ये देखिए 18 वोल्ट, ठीक है। तो हम यहाँ पे इसका जो सप्लाई कनेक्शन है जोड़ देते हैं, उसके बाद हम इसमें ऑडियो चेक करेंगे, ये ऑडियो बराबर निकल रहा है या नहीं। चैनल पे बने रहिए और देखते रहिए दोस्तों। इसको बंद कर लेते हैं। ये हमारा जो है नेगेटिव का कनेक्शन, ये नेगेटिव का कनेक्शन है, और ये हमारा जो है पॉजिटिव का कनेक्शन। बहुत बारीकी से काम करना होता है, देखिए इसमें हड़बड़ी कोई काम नहीं है, जल्दी में कोई काम नहीं होगा, ठीक है, बढ़िया करके अच्छे धीरे धीरे काम करना होगा। ये हो गया, इसमें सप्लाई कनेक्शन भी हो गया। तो हम अभी क्या करेंगे, फिर से इसमें लाइन देंगे, और देने के बाद हमारा जो इसमें ऑडियो का जो बोर्ड है इसमें वोल्टेज आया कि नहीं वो हम आप दिखाते हैं आपको। ये ऑन कर दिया, इसमें जो स्टैंड बाई स्विच है इसको दबा देंगे, ये स्टैंड बाई मैंने दबा दिया है। तो अभी इसमें वोल्टेज देखते हैं, ये देखिए, ये इसमें इंडिकेटर होता है रेड कलर का, ये जला हुआ है, शायद आपको वीडियो में दिखाई नहीं दिया होगा, ये देखिए ये इंडिकेटर जला हुआ है, मतलब यहाँ पे वोल्टेज जो है आ गया है। कितना वोल्ट आया है देखते हैं, मीटर देखते हैं, देखिए 18 पॉइंट कुछ वोल्टेज आ गया है। तो यहाँ पे हम चेक करते हैं स्पीकर लगा करके, इसमें ऑडियो आया या नहीं आया, ठीक है, स्पीकर लगा दिया, ऑडियो अभी तक नहीं आया। ये ऑडियो इसमें आ चुका है, दोस्तों इसमें ऑडियो आ रहा है, देखिए
देखिए यहाँ पे ऑडियो आ रहा है। दोस्तों देखिए, मैंने तो पहले इसमें प्रॉब्लम आ रहा था, मतलब ये बोर्ड जो है कुछ देर चलने के बाद ये जो आईसी है ये ख़राब हो गया है। ठीक है, तो ये बोर्ड तो हमारे पास अवेलेबल नहीं है अभी, तो इसके जगह हमने क्या किया, ये देखिए एक छोटा सा इसमें बोर्ड लगा दिया, देखिए। ठीक है, तो ये बोर्ड हमने कैसे कनेक्शन किया आपको दिखाते हैं। देखिए हम आपको जूम करके भी दिखा देंगे, यहाँ पे एक पीएफ इधर है और एक पीएफ इधर है। ठीक है, ये दोनों पीएफ में हमने इनपुट ऑडियो जोड़ दिया है। ठीक है, अच्छा अभी इसमें स्पीकर जो कनेक्शन है यहाँ पे लेफ्ट राइट का स्पीकर कनेक्शन, वो हमने क्या किया, ये देखिए इधर सॉकेट है, ये लेफ्ट राइट और ये लेफ्ट राइट, ये लेफ्ट साइड का है और ये राइट साइड का है। ये हमने यहाँ से चार वायर ले लिया, यहाँ पे लगा दिया और यहाँ पे लगा दिया। ठीक है, ये दोनों कनेक्शन हो गया। और यहाँ पे हमने क्या किया, इसमें से जो आउटपुट निकल रहा था वो हमने यहाँ पे कटर से काट दिया। ठीक है, क्योंकि अगर यहाँ पे कॉइल लगा हुआ है, देखिए यहाँ पर कॉइल लगा हुआ है इस बोर्ड के नीचे, इस तरह से कॉइल लगा हुआ है, तो इस कॉइल में अगर शॉर्ट होगा तो आईसी ख़राब हो सकता है, इसीलिए हमारा ये बोर्ड ख़राब हो गया। कोई बात नहीं, तो हमने ये बोर्ड लगा दिया, सारा कनेक्शन हमने कर दिया है। और यहाँ पे देखिए पीछे एक रेगुलेटर भी लगा दिया, क्योंकि ये बोर्ड में जो लगाया है हमने इसमें 5 वोल्ट का सप्लाई देना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 5 वोल्ट का LM लगा दिया, जो यहाँ पे एक 9 वोल्ट का LM रहता है, वहाँ से 9 वोल्ट हमने ले लिया और 9 वोल्ट इसमें इनपुट दे दिया और यहाँ से 5 वोल्ट निकल रहा है। ठीक है, तो ये गर्म नहीं होगा, बढ़िया से काम करेगा। ठीक है, इसमें ज़्यादा लोड भी नहीं है, क्योंकि ज़्यादा लोड होने से ये LM नहीं चलता। ठीक है, तो अभी इसमें हम दो आपको दिखाई दिया है सब कुछ। ठीक है, ये बोर्ड अगर नया हमारे पास होता तो इसी को ही लगाते, ये ख़राब हो गया। कोई बात नहीं, हमने इसको लगा दिया, इसको लगाने के बाद हमने सारा कनेक्शन कर दिया है। अभी हमने इसमें साउंड नहीं सुना है, तो साउंड किस तरह से आ रहा है वो हम आपको सुनाएंगे। पहले इसको कंप्लीट टेक कर लेते हैं, ठीक है, उसके बाद हम आपको चेक करके साउंड भी सुनाएंगे। तो दोस्तों हमने देखिए इसका जो पीछे का ये है किट है, इसको हमने लगा दिया। तो यहाँ पे जो स्पीकर है, स्पीकर का कनेक्शन हम यहाँ पे एक एक करके सारा कनेक्शन हम चेक करेंगे। पहले हम इसमें लाइन देते हैं, ये हमने इसमें लाइन दे दिया। ठीक है, ये अभी ठीक है, सारा चैनल अभी काम कर रहा है। ठीक है, ये बढ़िया से काम कर रहा है। दोस्तों अगर आपके पास ऐसे इस तरह का कोई सिस्टम आए तो आप भी ऐसे मॉडिफाई कर सकते हो। ठीक है, ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए।